बिग बॉस का घर, बिग बॉस का घर लगने की बजाय बल्कि एक जंग का ऐसा अखाड़ा नजर आ रहा था जहां पर हर कोई किसी ना किसी बात पे सिर्फ लड़ना ही चाहता था। आखिरकार क्या हुआ एक ऐसी लड़ाई में जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल निकी दम्बोली ने सोनाली फोगाट का नाम फाड़ा। नाम फाड़ने के बाद में फिर सोनाली जी को ये पता चलता है, सोनाली जी को कि अर्शी खान जो है, बेसिकली मैं कहना चाहूंगी अगर इस पूरी लड़ाई झगड़े की कोई करता धरता है तो दरअसल वो अर्शी खान है। अगर अर्शी खान उस समय पर आकर सोनाली फोगाट को आग नहीं लगाती, सोनाली फोगाट को बार बार नहीं बोलती कि अरे नाम फाड़ दिया, टुकड़ों में फाड़ दिया, चप्पल से फाड़ दिया, पैरों से रौंद रौंद के फाड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है वो नहीं होती। अब इसकी शुरुआत अर्शी ने करते 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 ये इतनी बढ़ती चली गई कि घर में हर किसी के झगड़े होने लग गए और हर कोई जो है अब इस चीज से जो है वो फोकस में जो है आने लगा। अब यहाँ पर देखो, सोनाली फोगाट रुबीना दुलाई के झगड़े के बारे में सबको मालूम है कि सोनाली फोगाट ने ऐसा कहा, रुबीना दुलाई को अच्छा नहीं लगा, रुबीना दुलाई ने पलट पलट के जो है स्टैंड लिया। लेकिन अर्शी खान वहां पर बार बार मुझे ऐसा लगा जैसे कि आग लगाने की कोशिश कर रही थी। सो गाइस, आप लोगों ने भी कल का एपिसोड देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इस लड़ाई की वजह अर्शी खान थी, क्या ये लड़ाई इग्नोर की जा सकती थी या नहीं, राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।